चलो भाई ऑटो में चलो 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 खुशो चला साथी निकल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश। तो स्वागत है आपके न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी बजे हैं 6:30 और हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। तो आज का मैच है केकरी वर्सेज बसंत कुंज और आज हमारे घातक बैट्समैन दोनों। तो क्या उम्मीद रखे हो आप, क्या उम्मीद है आपको आज? जीरो पाउट हो गया, 50 बना नहीं, आज तो 50 बनानी है। और अमित तू तू क्या करेगा? वो मारूंगा 400 रन। बाय ब्रायन लारा का रिकॉर्ड आ टूटे। 400 बनाता है तो 100 रुपए नाम इसको अमित को आज। फिर भी सही बोला। तो दोस्तों ट्राइपॉड मेरा सेट हो चुका है यहाँ पे। अब इस ट्राइपॉड पर फोन ऑन लगाता हूँ, फिर उसके बाद इन भाई लोग की ब्लॉगिंग आज क्रिकेट पर शूट करना है। हेलो बुरा जी, गुड मॉर्निंग। तो हमारे यहाँ पर प्लेयर आ चुके हैं और गोपाल जी जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक चांस लिया था। और तो दोस्तों यहाँ पर किट भी आ चुका है और यहाँ पर लग चुके स्टैम्प। राहुल भाई मैनेजमेंट है यहाँ पर। हेलो राहुल, क्या हाल है? आपको कैमरा में आना है तो हल्ला तो मचाना पड़ेगा ना आज। दोनों भाई क्राउड करेंगे। आमने सामने है दोनों टीम, केकरी वर्सेज बसंत कुंज और इनकी टीम आ रही है यहाँ पे। हेलो तो दोस्तों दोनों टीम आमने सामने आ चुकी है और अब इंट्रो करते हैं इनका और दिखाते हैं ट्रॉस, फिर बाकी आएगी अपडेट क्या होती है फिर दिखाता हूँ आपको। तो आज का कैप्टन बैटिंग फर्स्ट केकरी। तो दोस्तों सब टीम यहाँ पे आ चुकी है और अभी सब लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय। अमित भाई अच्छे से खेलना आज और काफी, और यहाँ पर देखो हमारे भाई दुर्गेश भाई चाय लेके आए घर से, बहुत बढ़िया। दुर्गेश चाय पिलाओ सबको, ये बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं दुर्गेश यहाँ पे। और सर दोनों बैट्समैन आ चुके हैं यहाँ पे केकरी के, मनीष और संतोष काफी अच्छे प्लेयर हैं और मनीष काफी अनुभवी प्लेयर हैं यहाँ पे। दोनों पहाड़ी, एक है पिथौरागढ़ का और दूसरा है रानीखेत का। और संतोष क्या बोलना चाहोगे आप, कैसा फील हो रहा है आपको? है तो संतोष जो भी देख रहा है आज संतोष की बैटिंग देखिए। सुबह सुबह बहुत प्यारी सी धूप आ रही है आज और सनराइज हो रहा है, आप देख सकते हो मौसम भी बहुत अच्छा है आज। राजू यहाँ पर पहली बॉल लेके आ रहे हैं, देखना होगा राजू क्या करेंगे अपनी टीम के लिए आज। और फील्डिंग यहाँ पर सजा दी है पूरी और यहाँ पर खेल रहे हैं मनीष, तो काफ़ी अनुभवी प्लेयर हैं। टाइम ओवर स्नार्ट यहाँ पे और काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पे मनीष ने और 4 रन बाउंड्री के बाहर, पहली बॉल 4 रन। मनीष फिर से, मनीष यहाँ पे सामना करेंगे और काफी अच्छा स्टॉक। वेट कर वेट कर। आज कैप्टन साहब ओपनिंग आ रखे हैं, अपनी टीम के लिए क्या करेंगे देखेंगे आज। संतोष काफी अच्छे प्लेयर हैं, काफी मैचों का अनुभव है इनको। राजू यहाँ पे, संतोष और वाइड बॉल, संतोष राजू को सामने करेंगे यहाँ पे और काफी अच्छा स्टॉक। और आ चुके मनीष, फिर से सामना करेंगे राजू का यहाँ पे और देखना बस बॉल क्या होगा। और एक घुमा के दे दिया है, लकी चांस बन सकता है और यहाँ पर मनीष हो चुके हैं आउट। काफ़ी अच्छी बैटिंग फील्डिंग यहाँ पर। ये बैट्समैन आ चुके हैं संदीप, वाइस कैप्टन जिनने पिछले मैच में 35 रन की भूमिका निभाई थी। और दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन आमने सामने और राजू यहाँ पे और देखना होगा संदीप को वाइड गेंद। तारीफ करनी होगी आज, काफ़ी अच्छा विकेट लिया उन्होंने और ये सिंगल यहाँ पे। ओवर 9 रन, काफ़ी अच्छा बॉलिंग और एक विकेट के साथ। ये बॉलर आ चुके हैं पंकज, राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ और सामना करेंगे कैप्टन का संतोष। बाय हो जाए चार्ज ब्रीदिंग फेस विद द गाइस। और नो बॉल यहाँ पे और काफ़ी अच्छी धूप आने वाली है थोड़ी देर बाद और सनराइज देख सकते हो प्यारा सा यहाँ पे और ग्राउंड
खचाखच भरा है और नो बॉल है ये। और यहाँ पर पंकज और काफ़ी अच्छी फील्डिंग और राइट आर्म ओवर द विश्वांत। यहाँ पर पंकज देखना होगा क्या करेंगे इस बॉल पे और घुमा के दे दिया है यहाँ पे सिंगल के साथ। संदीप यहाँ पे काफ़ी अनुभवी प्लेयर, पिछले मैच में 35 रन बनाए थे और आज अपनी टीम के लिए क्या करेंगे। और काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पे एक सिंगल के साथ। आज संतोष काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे और इनको अच्छे से खेलना होगा क्योंकि कैप्टन भी है और अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान देना होगा इनको आज। और आज पहली बार वन डाउन आ रखे हैं और यहाँ पर फिर से सामना करेंगे बसंत कुंज का काफी घातक बॉल संतोष के लिए और यहाँ पर उठा के दे दिया यहाँ पे सिंगल के साथ। खुश होना होगा संतोष को। बसंत कुंज की काफी अच्छी बॉलिंग है यहाँ पे, इतनी तारीफ की जाए इतनी कम है। और कैप्टन संतोष अपनी टीम के लिए क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे। और फिर से बॉल संतोष के लिए और काफी हिट किया लेकिन चांस बन सकता है और ये बॉल लेने से बाद 4 रन। काफी अच्छी बैटिंग संतोष की यहाँ पे। ये मैच दोनों टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज। अगर ये मैच जीतना है तो बसंत कुंज को तो 90 रन में ऑल आउट करना होगा केकरी को यहाँ पे। और कैप्टन यहाँ पे संतोष और इस बॉल का सामना करेंगे। काफी अच्छा स्ट्रॉक यहाँ पे और काफी अच्छी फील्डिंग ओवर थ्रो राइट आर्म ओवर के साथ। और काफी अच्छी बॉलिंग है संजू की यहाँ पे और सामना करेंगे संदीप और देखना होगा इस बॉल में क्या होगा। और पटक के दे दिया है, देखना होगा यहाँ पे गति के साथ 4 रन। काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पर संदीप की। आज कैप्टन और वाइस कैप्टन आमने सामने, अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा इनका आज। पिछले मैच में 35 रन बनाए थे और काफी अच्छी फील्डिंग भी की थी और अपनी टीम को जिताया भी था। फिर से संदीप संजू का सामना करेंगे यहाँ पे और इस बॉल में देखना होगा क्या करेंगे संजू। और धीमी धीमी गति के साथ संजू और उठा के दे दिया यहाँ पे। आज फील्डिंग बहुत लूज हो रही है बसंत कुंज की। मैच अगर आज केकरी जीतती है तो इसको सेमीफाइनल में खेलना पड़ेगा केसीएम के साथ और देखना होगा आज का मैच क्या होने वाला है। और संजू अपने गति के साथ और ये यॉर्कशिप खेलने के चक्कर में यहाँ पर मिस हो गई बॉल। अभी बहुत ओवर बहुत है और कैप्टन को आराम से खेलना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग है संतोष की यहाँ पे। और देखना होगा और यह घुमा के दे दिया यहाँ पे एक रन के साथ सहमत। ओवर 28 रन यहाँ पे केकरी के और एक विकेट। आज कैप्टन और वाइस कैप्टन आमने सामने हैं। पिछले मैच में संदीप ने काफी अच्छी बैटिंग की थी और अपनी टीम के लिए यहाँ पे देखना होगा क्या करेंगे संदीप। संदीप के लिए यहाँ पे और धीमी धीमी गेंद के साथ और काफी अच्छा यहाँ पे हो सकता था चांस। अंपायर के साथ कोई बहस नहीं, पेनल्टी लग सकती है आपको। आज यहाँ पे पिछले मैच में संदीप का विकेट लिया था और काफी अच्छी बॉलिंग आ रहे हैं और यहाँ पर स्ट्रॉक हो सकता है और देख लगा क्या करेंगे यहाँ पर काफी लूज फील्डिंग यहाँ पर। और यहाँ पर फिर से ओवर थ्रो जितना करेंगे उतना घाटा होगा बसंत कुंज को यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आज बसंत कुंज। राजू यहाँ पे फिर से बॉलिंग संतोष की और यहाँ पर कट हो सकता है लकी चांस और ये बच गया संतोष और सामना करेंगे राजू का यहाँ पे संदीप और इस गेंद को देखना होगा क्या करेंगे संदीप और ये घुमा के दिया लकी चांस और ये मिस फील्डिंग यहाँ पर बसंत कुंज की। जितनी मिस फील्डिंग करेंगे उतना ही नुकसान होगा बसंत कुंज को आज। राजू लामा की बहुत अच्छी बॉलिंग है, थोड़ा फील्डर को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इतनी मेहनत के साथ बॉलिंग आ रहे हैं और ये घुमा के दे दिया है लकी चांस बन सकता है और ये बॉन्ड लेग से 4 रन हो चुके हैं यहाँ पे। संदीप को 2 चांस मिल चुके हैं यहाँ पे और देखना होगा राजू लामा इस बॉल में क्या करेंगे और ये यहाँ पर दे दिया है देखना होगा। काफी अच्छी बिल्डिंग यहाँ पे फिर से संदीप और ये काफी अच्छा चांस हो सकता है वाइड बॉल और राजू लामा काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे और एक विकेट हो चुका है यहाँ पे इतने चांस मिलने के बाद 38-2 केकरी। और नए बैट्समैन यहाँ पर अमित आ चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है इनको, 35 रन बनाए थे पिछले मैच में और केकरी को जीत दिलाई थी और देखना होगा आज क्या करेंगे अमित।
और संजू अपनी टीम के लिए और धीमी धीमी गेंद के साथ देखना होगा राइट आर्म के साथ और कैप्टन और वाइड गेंद और यहाँ पर काफी अच्छी बॉलिंग इनकी और एक घुमा के दे दिया है लकी चांस हो सकता है यहाँ पे और सिंगल के साथ यहाँ पे अमित जिन्होंने पिछले मैच में 35 रन बनाए थे और केकरी को जीत दिलाई थी और देखना होगा अमित अपनी टीम के लिए क्या करेंगे यहाँ पे बसंत कुंज बना केकरी केकरी बना बसंत कुंज आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अमित यहाँ पर सामना करेंगे संजू का और देखना होगा इस गेंद पे क्या करेंगे और घुमा के दे दिया यहाँ पे दो रन से सहमत अमित आज संतोष अपनी टीम के लिए क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे इस बॉल पे और ये काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है काफी अच्छी बिल्डिंग यहाँ पे फिर से अमित यहाँ पे सामना करेंगे संजू का काफी अच्छी बॉलिंग संजू की यहाँ पर तारीफ लायक है और देखना होगा इस गेंद पे काफी अच्छी बिल्डिंग यहाँ पे संतोष यहाँ पे संजू का सामना करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बॉल पे देखना होगा और काफी अच्छा स्टॉक सिंगल 5 ओवर 46 रन यहाँ पे लकी लामा नए बॉलर 11 नंबर जस्सी और राइट आर्म ओवर द विकेट संतोष का सामना करेंगे यहाँ पे देखना होगा संतोष इस बॉल पे क्या करेंगे लकी की और काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे लकी की एक सिंगल के साथ सहमत 47 रन और काफी मिस फील्डिंग यहाँ पर 48 रन यहाँ पे हो चुके हैं केकरी के और कैप्टन अभी तक टिके हैं यहाँ पे और देखना होगा कैप्टन क्या करेंगे इस बॉल पे और ये बॉल हो सकती है 49 रन यहाँ पे आ चुके हैं और फिर से संतोष और अमित यहाँ पे सामना करेंगे संजू का और काफी अच्छी बॉल यहाँ पर 4 रन 11 नंबर जर्सी यहाँ पे और सामना करेंगे अमित का काफी अच्छी स्टॉक यहाँ पर अमित की और सिंगल के साथ सहमत कैप्टन यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं अगर ये मैच थोड़ा सा और क्लोज ले जाना होगा संतोष को यहाँ पे संतोष फिर से लकी का सामना करेंगे और ये हो सकता था कुछ यहाँ पर रन आउट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी फील्डिंग बसंत कुंज की यहाँ पर तारीफ लायक है और नए बैट्समैन आ चुके हैं यहाँ पर विक्रम और यहाँ पर अमित फिर सामना करेंगे बसंत कुंज का और देखना इस गैप पे काफ़ी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर विक्रम मैं तो काफी अच्छी बैटिंग करते हैं और काफी अच्छे बैट्समैन भी हैं और देखना होगा इस बॉल पे क्या करेंगे विक्रम मैं तो और ये घुमा के दे दिया है लकी चांस बन सकता है और आउट यहाँ पे और अर्जुन श्रेष्ठ यहाँ पर 9 रन और यहाँ पर लकी काफी अच्छी बॉलिंग लकी की आज और चांस हो सकता था लकी का सामना करेंगे अमित और कौन महंगा हुआ देखना होगा इस बॉल पे और घुमा के दे दिया यहाँ पे बॉल नहीं बात 6 रन ये बॉल 6 रन है काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पे अमित की और ये गेंद उठा के दे दी है लकी चांस बन सकता है और 4 काफी अच्छी बिल्डिंग और अर्जुन श्रेष्ठा काफी अच्छी बैटिंग करते हैं यहाँ पे पिछली मैच में उन्होंने 18 रन बनाए थे और मैच को जिताया था और देखना होगा आज क्या करेंगे अपनी टीम के लिए और काफ़ी अच्छी बॉलिंग लकी की और कट किया है यहाँ पे एक सिंगल हो सकता है अरे मैच चेस करना है केकरी को तो 100 से ऊपर रन बनाने होंगे फिर से अमित सामना कर रहे लकी का और देखना होगा इस बॉल पे और घुमा के दे दिया है यहाँ पे एक सिंगल के साथ 2 रन हो सकते हैं यहाँ पे और 8 ओवर हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट और 70 रन और देखना होगा क्या करेंगे अब इस मैच को जीतना है तो हिट करना ही पड़ेगा अमित को ऐसे नहीं चलेगा सिंगल सिंगल फिर से अमित यहाँ पे और घुमा के दे दिया है
6 रन। फिर से अर्जुन श्रेष्ठा, अपील कर रहे हैं यहाँ पे, हट्टा तो नहीं है। राजू की काफी तारीफ करनी होगी आज, काफी अच्छी बॉलिंग राजू की। अर्जुन श्रेष्ठा समझ नहीं पा रहे इस बॉल को, और आउट। और अमित यहाँ पे फिर से सामना करेंगे, और एक हमारे 2 रन तो लेने पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा सिंगल। संजू, संजू सैमसंग, और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, और सामना करेंगे अमित का, और राइट आर्म ओवर द क्रिकेट। और अमित यहाँ पे देखना और क्या करेंगे इस बॉल पे, और घुमा के दे दिया, लेकिन चांस 6 रन, काफी अच्छी बिल्डिंग बनी इसकी यहाँ पे, 4 रन हो चुके हैं यहाँ पे। और संजू काफी निराश होंगे आज, आ घुमा के दे दिया है लकी चार्ज, और बहुत ही लूज फील्डिंग यहाँ पे बोल सकते हैं, और नहीं नहीं 6 यहाँ पे रन आ चुके हैं। और फिर से अमित संजू का सामना करेंगे, और देखना इस बॉल पे, और 9 बॉल हो सकती है पूरी, और 4 रन, छेड़ना मत बॉल को, भागो भागो भाग। नए बैट्समैन यहाँ पर गंगा, पिछली मैच में कई फ्लॉप थे, और देखना होगा इस मैच में क्या करेंगे गंगा। और काफ़ी तारीफ करनी पड़ेगी यार बसंत कुंज की, काफ़ी अच्छी यहाँ पर फील्डिंग, और यहाँ पर विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, काफ़ी अच्छा रन आउट किया, और मैच को मूव किया यहाँ पे। 9 रन आ चुके हैं यहाँ पे, और संजू यहाँ पर देखना होगा इस बॉल पर क्या करेंगे, और यहाँ अच्छा स्टॉक, ऐसे कट कैसे कुछ नहीं होगा, रीड भी है बॉल संजू की, और गंगा इस बॉल पे क्या करेंगे देखना होगा, और नो बॉल अंपायर के यहाँ पे, और देखना होगा इस बॉल पे क्या करेंगे गंगा, और घुमा के दे दिया यहाँ पे 1 रन के साथ सहमत। यहाँ पर फिर से बॉलिंग संजू यहाँ पे, और घुमा के दे दिया, नो बॉल भी है, अब भागना होगा, नो बॉल है, नो बॉल है। गंगा यादव यहाँ पे क्या करेंगे टीम के लिए, हीटर बल्लेबाज है गंगा, और नो बॉल हो सकती है, नो बॉल, 92 रन हो चुके हैं, और ये नो बॉल भी है, और देखना हो गंगा, ओ माय गॉड। फिर से लकी यहाँ पे, काफी अच्छी बॉल, बॉल लेग से बाहर, 6 रन, गंगा के इसी बल्ले से जो शॉट निकली उसी से हो चुके हैं 100 रन कंप्लीट, काफी अच्छी बैटिंग गंगा की, और 11 बॉल और बची है, और लकी और यहां पर राहुल काफी अच्छा स्टॉक, यहां पर देखना होगा क्या हो सकता है, और 4 रन बॉन्ड, फिर से राहुल यहां पर सामना करेंगे, और घुमा के दे दिया है, और क्या क्या हो सकता है, और काफी लूज फील्डिंग यहां पर, काफी अच्छी धूप यहां पे बसंत कुंज के लिए 106 रन यहाँ पे, और 6 बॉल बची है गंगा इस ओवर में क्या करेंगे देखना होगा, और फिर से यहाँ पे बॉल, और घुमा के दे दिया है, अगर ये 6 रन हो सकता है, और 6 रन गंगा ने साबित कर दिया है हम किसी से कम नहीं, पिछले मैच में गंगा फ्लॉप थे, लेकिन आज अपने बल्ले से जो छक्के चौके जोड़ रखे उन्होंने, काफी अच्छी बैटिंग गंगा की, अच्छी गंगा 4 रन, और यहाँ पे धीमी धीमी गेंद के साथ गंगा फिर से, और यहाँ देख सकते हैं क्या होगा यहाँ पे 6 रन, ये गेंद रोकना ही नहीं नामुमकिन है गंगा का, और लास्ट गेंद राहुल के लिए यहाँ पे, और राहुल ओ सिट यहाँ पे अच्छी तरह आउट, यहाँ पर यहाँ पर तारीफ पैक है, और गंगा ने, और यहाँ पर आज के हासिम, और इसी की खुशी में आज केक के लिए केला, हमें भी दे दो केला, इधर चिल्ला चिल्ला केला फट गया मेरा, एकदम जाओ कि कैची लेना है सेमीफाइनल में, संत कुंज के ओपनिंग बल्लेबाज आ चुके हैं यहाँ पे, और बेस्ट ऑफ लक भैया आपको।
अच्छे से खेलना और हो सके तो जीत जाओ, ठीक है। पूरा यहाँ पर नए बॉलर, ओपनिंग बॉलर नीरज जी, आप क्या बोलना चाहोगे इस मैच में आज? No! क्या बोलना चाहोगे? जो भी भाई लोग हैं हमारे ग्रुप में, जो भी छोटे बड़े भाई लोग हैं हमारे, सब उत्तराखंड के भाई लोग हमारे राउत ब्लॉग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, इतनी सोच वो उठ रहा है, तो उसको सब्सक्राइब करें। Okay. बाकी क्या कर सकते हैं, भाई है अपना। नए बॉलर नीरज बोरा चंपावत के, काफी घातक बॉलर है केकरी के, और सामना करेंगे राजू का, जो राजू है रानीखेत के। और नीरज बोरा पहली गेंद राजू के लिए और वाइड गेंद। नीरज बोरा यहां पर सामना करेंगे राजू का, और काफी अच्छी बॉलिंग अपील यहां पे। नीरज बोरा फिर से सामना करेंगे राजू का, और उठा के दे दिया है लकी चांस, 6 रन। नीरज बोरा सामना करेंगे राजू का, और काफी अच्छी बॉल, 2 बॉल पे 2 छक्के राजू ने यहाँ पे। और राजू काफी घातक बल्लेबाज, और देखना होगा इस बॉल पे नीरज की क्या करेंगे, और काफी अच्छी बॉलिंग नीरज की। बॉल है, बॉल काफी अच्छी बॉलिंग नीरज की, और कट गया यहाँ पे, चांस हो सकता था। करण यहाँ पर धीमी धीमी गेंद के साथ, और ये करण के लिए, और माय गॉड काफी क्लोज मैच हो सकता था। और यहाँ पर फिर से राजू के लिए, और करण, और देख रहे बैट पे काफी क्लोज हो सकता है, और लकी चांस। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और पहला विकेट करण का यहाँ पे, और ये लकी चांस विक्रम का, 2 ओवर 18 रन और 1 विकेट। और यहाँ पर आ चुके हैं गोपाल यादव, पिछले मैच में हैट्रिक लिया था इन्होंने, और देखना होगा आज फिर से अपनी टीम के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर कमलेश सामना करेंगे गोपाल यादव का, और देखना होगा गोपाल इस गेंद पे क्या करेंगे। और धीमी धीमी गेंद के साथ गोपाल यहाँ पे, और काफी जवाब आउट यहाँ पे, आउट यहाँ पे, काफी अच्छी बॉलिंग गोपाल की, पहली गेंद पे पहला विकेट गोपाल यहाँ पर, देखना होगा गैस पे क्या करेंगे। और लेफ्टी के लिए, और घुमा के दे दिया है, अच्छी बैटिंग यहाँ पे, देखना होगा गैस पे क्या करेंगे। और हर कट क्या यहाँ पे, और एक सिंगल के साथ सहमत होंगे गोपाल यादव यहाँ पे, और देख रहा, और काफी अच्छा स्ट्रोक हो सकता है, और लकी चांस गोपाल के लिए, और दोनों ने मिस कर दी यहाँ पे। फिर से गोपाल यादव यहाँ पर सामना करेंगे लेफ्टी का, और लकी चांस हो सकता है। यहाँ पर हेमराज काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 2 छक्के और 1 चौके के साथ इन्होंने यहाँ पर अपनी टीम को संभाला। और देखना होगा करण यहाँ पर क्या करेंगे, धीमी धीमी के साथ, और WW के चांस, और फिर से करण सामना करेंगे, और ये लकी चांस हो सकता है, और ये कैच हो गया तो केकरी को, यस, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे अर्जुन श्रेष्ठा। ये क्या चूम के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, गुड जो। यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करण की यहाँ पे, और ये स्टार हो सकता था, और ओवर थ्रो नहीं, काफी अच्छी बिल्डिंग है अमित की साथ, 7 नंबर की जर्सी, और अमित फिर से कैकरी के लिए, और देख रहे कैच पे, और बहुत क्लोज हो सकता मैच, फिर से अमित यहाँ पे, और सामना करेंगे, और ये हो सकता है कैच, 6 रन। बॉल फ्रीड है, और देखना होगा फ्रीड में क्या करेंगे, और घुमा के दे दिया यहाँ पे, हो सकता है, और फ्रीड भी है, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर मनीष की, और 4 विकेट हो चुके हैं यहाँ पे। फिर से अमित अपनी बॉल लेके यहाँ पे, और समझ नहीं पा रहे मुकेश, अमित क्या सामना करेंगे यहाँ पे, और देखना होगा इस गैप पे क्या करेंगे मुकेश, बसंत कुंज के लिए, और घुमा के दे दिया है लेकिन चांस मुकेश यहाँ पे, और एक सिंगल के साथ नीरज बोरा फिर से धीमी धीमी गेंद, ये 3 ओवर बहुत महत्वपूर्ण है बसंत कुंज के लिए, अगर इस 3 ओवर की 2 बॉल पे अगर बसंत कुंज जीतती है तो क्वालिफाई कर जाएगी मैच। 12 बॉल में 78 रन बसंत कुंज के लिए, और ये 2 रन मिलेंगे यहाँ पे,
गोपाल यादव यहाँ पे काफी अच्छी बॉलिंग इनकी छोटे छोटे कदमों के साथ गोपाल यादव, और ये बॉल मुकेश के लिए, और ये आउट हो सकता था। लकी चांस संतोष जर्सी नंबर 7 राइट आर्म ओवर दी साथ, और यहाँ पर सामने करेंगे और ये बॉल हिट की, 2 रन मिलेंगे यहाँ पे। बसंत कुंज को चाहिए 5 बॉलों में 70 रन, अगर बना सकती है तो ये मैच उनके पक्ष में जाएगा आज। कैप्टन यहाँ पे संतोष रावत फिर से अपना गेंद लेके हुए, और देखना होगा और काफी क्लोज हो सकता है मैच, और काफी अच्छी बिल्डिंग। फिर से संतोष मुकेश के सामने आ गए, और लकी चांस यहाँ पर हो सकता है संतोष का, और बहुत ही मिस फील्डिंग संतोष की, अपना एक कैच यहाँ पे ड्रॉप, कैप्टन की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पर संतोष। आज केकरी के पक्ष में आ चुका है और केकरी जाएगी सीधे सेमीफाइनल पे, और आज का मैच काफी क्लोज था, और एक गोपाल के लिए, और काफी मिस फील्डिंग गोपाल की यहाँ पे। केकरी पिछली बार 3-3 मैच हारी थी और इस बार 4-4 मैच जीत चुकी है केकरी। उसी बॉल लेके आते हुए, और ये बल्ला तेज से घुमा, लेकिन बल्ले बॉल में कोई संपर्क नहीं, और यहाँ पर स्टंपिंग, देखते हैं इंपायर का डिसीजन क्या होगा। नॉट आउट इंपायर बॉलर की एक्शन देखा जाए, ये बहुत सुंदर है, घुमा के मारा है और सीधा एक रन, कोई बाउंड्री नहीं। ये फिर से उसी दिशा में, देखा जाए तो इस परफॉर्मेंस से वसंत कुछ काफ़ी नाराज नज़र आएगी, क्योंकि बहुत नाराज होगी, और इनका ये लास्ट मैच कर गुजरने की मैच थी ये फील्डर की ओर जाते हुए, बहुत अच्छी फील्डिंग, क्षेत्र रक्षण बहुत अच्छे किए हैं, और एक रन ही मिल पाएगा, और इस प्रदर्शन से कैलाश कॉलोनी केकरी काफ़ी खुश, सारे प्लेयर में उत्साह नज़र आ रहा है, उत्साह की लहर, जैसे हमारे पास मुकेश जी बैठे हैं, आप, मैं उनको बुलाता हूँ। हाँ मुकेश जी, आप बता सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर इन लोग की बैटिंग, आज बसंत कुंज की भी यहाँ बहुत अच्छी फील्डिंग रही, और काफ़ी उन्होंने कैच छोड़े, इसी वजह से आज बसंत कुंज मैच हार रही है। देखा जाए तो कहते हैं ना, कैच छोड़ो मैच हारो, वही यहाँ पे नज़र आता है। फिर और गोपाल यादव काफ़ी अच्छी बॉलर हैं पर, और यहाँ पे घुमा के मारे की वजह से अमित जो इस टीम के स्ट्राइकर बॉलर हैं, उनके हाथों में गेंद थमाई गई है, और देखते हैं अपने टीम के लिए क्या करते हैं। पहली बॉल बहुत शानदार यॉर्कर, और एक रन लेने की कोशिश, और फिर से अमित लग के जाते हुए पीछे के साथ, केकरी जीत चुकी है और केकरी पहुंच चुकी है सेमीफाइनल पे, 4-4 मैच जीते हैं केकरी ने इस बार, काफी अच्छी बॉलिंग सही था ये लोंडे के साथ, और करण काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, और अब तो मैच बने आज के टीम के हीरो अमित, काफी अच्छी बैटिंग की और बॉलिंग में भी बहुत अच्छी की, और गंगा जी काफी अच्छी बैटिंग आपकी, अगर गंगा जी नहीं होते तो यह मैच शायद बसंत कुंज जीत सकता था। और अब आ चुका है घर जाने का टाइम, और सेमीफाइनल खेलेंगे सीधे 8 तारीख को, केकरी वर्सेस KCM सेमीफाइनल। ये मैच अब हम जीत चुके हैं, और मिलते हैं आपको 8 तारीख को सेमीफाइनल में, और मैं उसके लिए बहुत तैयारी कर रहा हूँ, और KCM वालों रेडी रहो, ठीक है, मिलते हैं अभी दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, अब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।